Hello everyone, welcome all of you on online classes from Adarsh Senior Secondary School. Today we will discuss the exercise 5.1 of class 9th. Chapter hai Introduction to Euclid Geometry. First question hai, which of following statement true and false? हमें यहाँ पे जो statement given है उनके लिए बताना है कि true कौन सा और false कौन सी है. तो यहाँ पे गिवन है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, मतलब कि एक सिंगल पॉइंट है इसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ये ट्रू है या ये बात फॉल्स है हमें बताना है. तो देखो यहाँ पे एक लाइन ये पास हो गई, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये. इस तरीके से यहाँ से बहुत सारी लाइनें क्या हो सकती है इस पॉइंट से पास हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, फॉल्स है, बिकॉज infinite number of lines can pass through a single point. एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकती है, पास हो सकती है. ठीक है, अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड. यहाँ पे ये बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट है और इसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है. तो देखो यहाँ से एक लाइन तो चलो ये पास हो गई, ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन दोनों से कैसे पास होगी, ये तो पास नहीं हो सकती. इसीलिए यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, बिकॉज टू कैन passes through can have passes through one line. ठीक है, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे, अलग अलग बिंदु होंगे, उसमें से सिर्फ एक ही लाइन पास होगी. अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट. ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन बोथ साइड. टर्मिनेट का मतलब होता है जिस लाइन के दो एंड हो. ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट है तो अब इस लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ साइड से, मतलब इस लाइन को भी यहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट तक और इस साइड से भी हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि ये एक टर्मिनेटेड लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट हो, उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनफाइनाइट तक. ठीक है, फोर्थ पार्ट है, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल. अगर दो सर्कल हैं वो इक्वल है, ठीक है, तो वो इक्वल कब हो सकते हैं, जब इनका एरिया क्या हो, इक्वल हो. और एरिया इक्वल होने के लिए उनकी रेडियस इक्वल होनी जरूरी है. ठीक है, तो इसका मतलब ये पार्ट भी क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि दो सर्कल तभी इक्वल होंगे जब उनकी रेडियस क्या होगी, इक्वल हो जाएगी. ठीक है, तो ये पार्ट ट्रू है. अब लास्ट पार्ट है, इसमें बोला ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, जो ए बी लाइन है वो पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है. ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से आंसर होगा यस, ट्रू हो जाएगा. ये कैसे, क्योंकि ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, तो मतलब ए बी और एक्स वाई क्या हो जाएगा, इक्वल. तो समझ आ गया होगा आपको ये फर्स्ट पार्ट. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सेकेंड है गिव डेफिनेशन. हमें डेफिनेशन देनी है पैरेलल लाइंस की और परपेंडिकुलर लाइंस की. पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, पैरेलल लाइन होती है जो एक लाइन ये चल रही है, ठीक है, और दूसरी लाइन बिल्कुल सेम इसके जैसी हो, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या हो, दोनों में सेम हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों में क्या हो, सेम, और दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में जा रही हो. ठीक है, तो डेफिनेशन हो जाएगी कि टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल होगी व्हेन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में जो ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये क्या हो, सेम हो, और दोनों लाइनें कभी भी आगे जाके एक पॉइंट पे ना मिले, मतलब बिल्कुल पैरेलल जाती जाएगी, ये आगे जाके कभी नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये हो जाएगी पैरेलल लाइंस. अब होती है परपेंडिकुलर लाइंस. तो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी हो जाएगी, जब एक लाइन दूसरी लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो वो लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएगी. ठीक है, टू लाइंस आर कॉल्ड परपेंडिकुलर, कॉल्ड परपेंडिकुलर इफ वन लाइन make an angle of 90 degree
with another line. ठीक है, तो समझ आ गई होगी, ये परपेंडिकुलर लाइन है. तो जो क्वेश्चन सेकंड है, इसमें हमें डेफिनेशन देनी है 5 पार्ट्स की, लेकिन अभी सिर्फ हम 2 ही पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.